वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 2 फरवरी 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके साथ ही वीडियो के एंड में आपको कल के क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाएगा और आज की वीडियो की PDF आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया, अगले वित्त वर्ष यानी कि 2020 से 2021 में। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 6.5%। तो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि का 6 से 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था 31 जनवरी 2020 को। इसने भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के रुझानों का विस्तृत विश्लेषण दिया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1.21 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.39 करोड़ के साथ लगभग 2.62 करोड़ नई नौकरियां होंगी। भाई ये तो अजीब बात है, लेकिन पता नहीं नौकरियां किस सेक्टर में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गोवा 2020 राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रूबीगुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, जिसको कि आप इस में पिक में देख सकते हैं। ये है रूबीगुला जिसको कि बोलते हैं फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। तो 1 फरवरी 2020 को गोवा के पणजी में राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में रूबीगुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल का अनावरण किया गया। राष्ट्रीय खेल 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक गोवा में होंगे और यह राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण होगा। जो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है ये गोवा का राजकीय पक्षी है और जो गोवा का राजकीय पशु है वो है गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नर्मदा महोत्सव की शुरुआत की गई, नर्मदा महोत्सव की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती के अवसर पर अमरकंटक के मैदानी इलाके में 31 जनवरी 2020 से 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की शुरुआत की गई। यह स्थानीय जनजाति कला और संस्कृति का विधिवत प्रदर्शन करेगा। इस महोत्सव के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय के तहत केवल महिलाओं द्वारा सभी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजकीय मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा और जो राजकीय पक्षी है वो है भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर। वर्तमान राज्यपाल है लालजी टंडन। अब नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है और गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली 3री सबसे लंबी नदी है। क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत के बाहर भी जाती हैं तो अगर सिर्फ जो उन नदियों की बात की जाए जो भारत में ही बहती हैं तो वो है गोदावरी नदी सबसे बड़ी, उसके बाद कृष्णा और तीसरे नंबर पर है आपकी नर्मदा। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है और यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति बना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एम ओब्रायन। तो एक 60 वर्षीय फार्मेसी कार्यकर्ता अटलांटिक में 3000 मील की यात्रा समाप्त करके एक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति बनी। एम ओब्रायन दिसंबर 2019 में ला गोमेरा के कैनरी द्वीप से तैरकर 49 दिन बाद कैरिबियाई द्वीप एंटीगुआ पहुंची और एम ओब्रायन ने अपनी बेटी वर्ल्ड्स बॉट्स और उनके दोस्त के साथ मिलकर लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी तय करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंतरिम पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हितेश चंद्र अवस्थी। तो हितेश चंद्र अवस्थी ने उत्तर प्रदेश के अंतरिम पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्यभार संभाला और यह चूंकि इन्होंने कार्यभार संभाला क्योंकि 31 जनवरी को निवर्तमान जो DGP थे OP सिंह वो सेवानिवृत्त हो गए। अवस्थी ने 12 साल तक CBI में सेवा दी है और वर्तमान में वो सतर्कता महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। उनकी जो सेवानिवृत्ति होगी वो 2 जून 2021 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2020 को एक नई पहल डायरेक्ट सीटीओ की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने 30 जनवरी 2020 को एक नई पहल डायरेक्ट सीटीओ की घोषणा की। यह ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के तहत काम करने वाली कंपनियों को संचालन शुरू करने के लिए सरकार से तेजी से मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम करेगा। कंपनियों को लाल, नारंगी, हरे और सफ़ेद श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो उनसे उत्पन्न प्रदूषण सूचकांक पर आधारित हैं। तमिलनाडु के राजकीय पशु की बात करें तो वो है नीलगिरी तहर, जबकि राजकीय पक्षी है तमिलनाडु का आम पन्ना कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में कहीं भी पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाला देवी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्कॉटिश टीम रेंजर्स ने नवंबर 2019 में एक सफल परीक्षण के बाद मणिपुर पुलिस की बाला देवी के साथ 18 महीने के सौदे पर हस्ताक्षर किए। वह दुनिया में कहीं भी पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वर्तमान में वह भारतीय राष्ट्रीय महिला टीम की प्रमुख गोल स्कोरर हैं, जो उन्हें दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर भी बनाता है। यानी दक्षिण देशों में बाला देवी वर्तमान खिलाड़ियों में सर्वाधिक गोल स्कोर करने वाली खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है? चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2020 में 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आयकर छूट की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त 5 से 7.5 लाख रुपए की वार्षिक आय पर 10% आयकर और 10 से 12.5 लाख की वार्षिक आय पर 20% आयकर लगाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर करदाता पुरानी व्यवस्था के तहत ही कर चुकाना चाहता है तो वो उसके तहत भी चुका सकता है, और अगर वो नई व्यवस्था के तहत चुकाना चाहता है तो नई के तहत भी चुका सकता है। ओवरऑल न हानि है न लाभ है, जो जैसा था वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीवी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके की दृष्टि से और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 2025। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2020 में कहा कि भारत में टीवी के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा और इस अभियान का जो नाम होगा टीवी हारेगा देश जीतेगा, जो कि मेरे अंदाज में शायद शुरू किया भी जा चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीवी मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। टीवी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, और यह देश में चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए की भी अतिरिक्त घोषणा की गई है। अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की गई है? किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कमीशन कॉरपोरेशन, सॉरी। तो निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2020 के भाषण में कहा गया है कि LIC के एक हिस्से को IPO के माध्यम से बेचा जाएगा। फिलहाल भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। इससे पहले नवंबर में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा था कि उसकी योजनाओं को कम लाभ के साथ फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे उनके प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है। LIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो LIC की शुरुआत है वो 1 सितंबर 1956 को हुई थी, 1 सितंबर 1956 को। वर्तमान में जो LIC है वो पूर्णतः सरकारी कंपनी है, यानी कि 100% इसको सरकार ही नियंत्रित करती है, लेकिन अब इसके कुछ हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की गई है, तो यह एक चिंताजनक विषय भी हो सकता है। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, प्रतिष्ठित वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहले हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, विद नेम देना है। आप अगर विद नेम आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको भी याद रहेगा और मुझे भी पहचानने में आसानी रहेगी कमेंट्स में आपके। कल के प्रश्न का उत्तर, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को हाल ही में नया विदेश सचिव चुना गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला को हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव चुना गया है और उन्होंने विजय केशव गोखले का स्थान लिया है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा,
जिसका कि लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे आप टेलीग्राम पर द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे कि आप डेली टॉप 10 क्वेश्चन की क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, आज जनवरी माह का भी करंट अफेयर्स का टोटल वीडियो आ गया है, उसको ज़रूर देख लें, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। थैंक यू।